राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, उनकी जगह फागु चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। लालजी टंडन भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 2009 में राजनीति से संन्यास लेने के बाद लालजी टंडन लखनऊ से 2009 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले टंडन राज्य में बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। फागु चौहान 1985 में पहली बार दलित किसान मजदूर पार्टी से घोसी विधानसभा के विधायक बने। 1991 में जनता दल से विधायक चुने गए, बसपा में भी शामिल रहे, फिर भाजपा की तरफ से 2017 का चुनाव लड़कर विधायक बने। फागु चौहान का राजनीतिक क्षेत्र मऊ है। इधर आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, जो अब तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। आनंदीबेन पटेल का राजनीति में प्रवेश 1987 में हुआ था। राजनीति में आने से पहले आनंदीबेन अहमदाबाद के मोहिनीबा कन्या विद्यालय में प्रधानाचार्य थी। राजनीति में आने के 7 साल बाद ही 1994 में वो गुजरात से राज्यसभा की सांसद बनी। आर एन रवि नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। आर एन रवि 1976 बैच के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। आर एन रवि नागा उग्रवादी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ जारी वार्ता के लिए वार्ताकार भी रहे। उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवादी समूहों को वार्ता के लिए राजी करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साल 2018 में कैबिनेट नियुक्ति समिति ने आर एन रवि को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और 9वीं लोकसभा में वो राजस्थान के झुंझुनू से सांसद रहे हैं। इधर रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बैस भारत की 16वीं लोकसभा के सदस्य हैं। वे छत्तीसगढ़ के रायपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। बैस 1978 में रायपुर नगर निगम के लिए चुने गए थे। भारत सरकार में बैस केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। नए राज्यपालों की ये नियुक्तियां उन तारीखों से प्रभावी होंगी जब ये सभी अपने संबंधित कार्यालयों में जाकर पदभार ग्रहण करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहण मीडिया स्कूल यानी टाइम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।